आशीर्वाद मिल गया नसीब है यहाँ आने का, मगर ऑनर आर यू रोहन, ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स। सो ऑफ कोर्स आई मीन यू एंड योर फैमिली वर इनवाइटेड, आज बड़ा एक मोमेंटस ओकेजन है, बड़ा गर्व है आप लोगों के लिए। हमने आपका करियर फॉलो किया सब लोगों का, कितना आज नाज होता है कि प्रधानमंत्री ने आप जैसे लोगों को पूरी इंडस्ट्री को बुलाया। नसीब है ऐसे मेरे जैसे एक चाली का लड़का जो आज इस मुकाम पर आके खड़ा हूं मैं, राम श्री राम मंदिर के यहाँ बुलाना भी इतने बड़ों के साथ हमें बुला लिए, बहुत अच्छा लगा, आशीर्वाद मिला है, क्योंकि भक्त तो है, भक्त भक्ति रहता है। आपने तो राम के रोल बता, राम जी जी खलनायक में इंस्पेक्टर जब भी बनाओ राम ही बनाओ, राम लखन जय सियावर राम जी की जय, सियावर राम जी की जय। सो ब्यूटीफुल, इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम एंड इट्स एन ऑनर फॉर एवरीबडी टू विटनेस दिस एंड टू बी बॉर्न इन आर इंडिया एंड विटनेस ऑल ऑफ दिस is truly a blessing. It's a wonderful experience. It's like, yes, it's a wonderful experience. It's the peoples of whole India and how their day made. मैं तो चुन में से एक हूँ, इससे बड़ी ईश्वर की कृपा और क्या हो सकती है, मुझे बताएं कि आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज दर्शन हो गए और आज प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे मैं यहाँ उपस्थित था, तो ये शब्दों से परे है, ये भावना ऐसी है जिन्हें कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। संदेश क्या देंगे पूरे देश को, पूरे समाज को, क्योंकि बहुत सारे आपके व्यूअर्स हैं जो जी, जो संदेश अद्भुत दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि ये ऊर्जा का एक नया संचार है, ये विनय का समय है और निश्चित तौर पे विनीत होके हमें नई ऊर्जा का संचार करना है। समरसता और समभाव हमारे देश की परंपरा में सदैव रही और सदैव रहेगी और प्रभु श्री राम जब 500 वर्षों के पश्चात आज यहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो मुझे लगता है देश एक नए दौर में, नई चेतना में, नई समृद्धि में। भावुक कर दिया प्रभु श्री राम ने, उनके जो प्यारी इतनी छवि है, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त शिल्पकारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। उनके चेहरे पे मुझे ऐसे लगा जब मैं देख रहा था तो मुस्कुराहट छलक रही थी, उनके आंखों से प्यार हम पर बह रहा था, बहुत भावुक हुआ। पूरे परिवार के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग मांगी और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये मांगा कि आप बुलाते रहिए और पूरे सह परिवार यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे अयोध्या। अद्भुत सुरीली माँ सरस्वती आपके नहीं, आज तो आज सबसे बड़ा सौभाग्य यही मिला कि आज रामलला के उधर दर्शन हो रहे थे और हम लोग कीर्तन में अपना स्वर लगा रहे थे। ये हम लोग अकिंचन क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि एक अपनी स्वरांजलि अर्पित करने का जो सौभाग्य मिला है, ये अपने पूर्वजों का मुझे लगता है आशीर्वाद मिला। 21 पीढ़ियों की प्रतीक्षा, उनकी तपस्या और उनकी प्रार्थनाएं आज ऐसे साकार हुई हैं, सब कुछ दिव्य है। आज देखिए 4 दिन से धूप नहीं निकल रही थी लेकिन सूर्यवंशी राम हैं तो आज रामलला का प्राकट्य देखने के लिए भगवान सूर्य भी प्रकट हो गए सही समय पर। इतना दिव्य मनोरम जैसे भगवान राम हैं, सबको आनंद देने वाले, सौम्य प्रसन्न, वैसे ही आज पूरे रामलला की प्रतिष्ठापना हुई और मुझे लगता है कि इस आनंद की वर्षा का जो मन में भाव है बहुत दिनों तक रहेगा।